तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों छात्रों क्या हाल चाल है बढ़िया है ना ये सवाल आप देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा एकदम मस्त समझाने वाला हूँ इसको और ये आपके एग्जाम में छोटा मोटा सवाल बन कर के नहीं आएगा ये आएगा तो छः नंबर में ही आएगा और छः नंबर अगर एक सवाल को कर लेने से मिल जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, है कि नहीं और इसी बात पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको फिजिक्स के हंड्रेड क्वेश्चन फ्री में चाहिए मेरे से और वैसे क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं तो आप गूगल में सर्च कीजिए मैथ में टॉपर कैसे बने जैसे ही सर्च करेंगे आप सबसे ऊपर जिसमें एम सलूशन लिखा रहेगा उसी लिंक को ओपन करिए और पढ़ते 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 नीचे जाइए बीच में फिजिक्स का हंड्रेड क्वेश्चन विथ आंसर वाला बटन मिलेगा वहाँ पर आपको अवकलन का सारा सूत्र भी मिलेगा अवकलन का सवाल मिलेगा मेरे हाथ से लिखा हुआ और फिजिक्स का हंड्रेड क्वेश्चन विथ आंसर, बहुविकल्पी दीर्घोत्तरी लघुत्तरी सब तरह के सवाल हैं सब तरह के क्वेश्चन हैं और जो बच्चा गणित में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाया है मात्र 16 घंटे में पूरी मैथ फर्स्ट और सेकंड दोनों तैयार करा दूंगा 16 घंटे की वीडियो आपको दूंगा और एक वीडियो नहीं रहेगा 16 घंटे का इतना बड़ा लेके परेशान रहोगे 10 मिनट 8 मिनट की बहुत सारी वीडियो हैं जिनको जोड़ करके टोटल टाइम 16 घंटा होगा तो उसको मैं मानता हूँ कि वह एक ही वीडियो है जो सोलह घंटे की है तो सोलह घंटे की वीडियो देख करके आप बड़े ही आसानी से पैंसठ सत्तर नंबर तो ला देंगे तो उसके लिए इस नंबर पर कॉल करिए ठीक है इस नंबर पर कॉल कीजिए पचहत्तर पच्चीस इक्यासी अस्सी अड़तीस पर और तुरंत सोलह घंटे वाला क्लास ज्वाइन कीजिए ठीक है अब यह सवाल देखो बताता हूँ पहले देख लो समझ में आएगा तब जाके कॉल करना ठीक है बाया पक्ष इसका ले लीजिए तो बाया पक्ष लेने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड आई जितना लिखा हुआ है ना इतना देख करके यहाँ लिख दीजिए बस वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर वन देखा मैंने अभी तक अपने मन से एक भी टैलेंट वाला काम नहीं किया सिर्फ मैंने देखा देख करके के लिखा तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं ना एक लाइन ये समझ लो क्वेश्चन पेपर में दिया है इसे देख के यहाँ लिखना है या लेचर लिख कर के तो इतना तो कर लोगे भाई अब क्या होता है शारीरिक का ऐसा नियम होता है ना कि चाहे जोड़ लीजिए चाहे घटा लीजिए चाहे गुड़ा कर लीजिए चाहे भाग कर लीजिए जो कक्षा एक में पढ़ाया जाता है ना जोड़ घटा न गुड़ा भाग वो चारों कर्म इसमें आप कर लीजिए शारीरिक कितना छूट देता आपको लेकिन कामन होने लायक कुछ जरूर बना लीजिएगा गुड़ा करके चाहे भाग दे के चाहे जोड़ के चाहे घटा के कुछ ऐसा कीजिए कि कामन लेने लायक हो जाए समझ गए तो मैं क्या करूँगा पहली लाइन में जितना है इन तीनों को जोड़ करके के यहाँ लिख दूँगा दूसरी लाइन में जितना इन तीनों को जोड़ करके के यहाँ लिखूँगा तीसरी लाइन के तीनों को जोड़ के यहाँ लिखूँगा तो कुछ ऐसा हमें मिल जाएगा जो कामन हो जाएगा बेटा बस इतना करने में तुम अगर कामयाब हुए तो सवाल का उत्तर आना तय है सवाल गलत होगा ही नहीं बुढ़ापे तक यह तरीका याद रहेगा तो वन यक्स यक्ष स्क्वायर, तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ और ये और ये और ये तीनों जोड़ेंगे तो इसमें भी देखो वन है एक यक्ष है यक्ष हम्म इन तीनों भी देखो वन यक्ष यक्ष स्क्वायर है है ना बीच वाली लाइन को कुछ मत कीजिए जैसे है वैसे लिख दीजिए इधर वाली लास्ट वाली लाइन को भी वैसे ही लिख दीजिए। देखा आपने ये सब तीनों एक ही चीज़ है ना हमने क्या किया जोड़ कर के तीनों को एक जैसा बना दिया वही काम आप भी कर लोगे किसी भी सवाल में तो सवाल गलत नहीं होगा सही होगा और आसान भी होगा उत्तर भी आएगा समझे अब यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा ना कि मैंने क्या किया सी वन सी वन का मतलब ये कॉलम वन ये वाला C1 बदल दिया C1 वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से मतलब ये क्या है तीनों को जोड़ के C1 में लिख दिया ये तीनों को जोड़ के ये वन में लिख दिया देखो तीनों को जोड़ के वन वाली लाइन में समझ गया ना मैं समझा रहा हूँ टाइम ले रहा हूँ ज्यादा लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूँ कि कोई कमज़ोर दिमाग जिसका मैथ कमज़ोर होगा ना वो लड़का अगर ये वीडियो गलती से देख रहा होगा ना तो वो भी समझ रहा होगा तेज बच्चों को तो हम वैसे ही समझा देते कि सीवन चेंज टू सीवन प्लस सी टू प्लस थ्री हो गया आगे बढ़े अब तो हो गया रहता लेकिन नहीं मैं जानता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर तेज बच्चों को पढ़ाने के लिए हज़ारों चैनल हैं लेकिन मैथ में कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए शायद ही कोई चैनल है सही बात है कि नहीं कमेंट में बताना कमेंट में बताना सही है कि नहीं सही है अगर सही होगा तो लिख देना सही है गलत होगा लिख देना रॉन्ग यू आर रॉन्ग लिख दो अब देखिए अब ये तीनों एक जैसे हैं तो तीनों कामन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा बाहर आ जाएगा ना वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो अंदर क्या बचेगा जब ये तीनों हट गया तो यहाँ बचेगा वन ये भी हट गया तो वन ये भी हट गया तो वन क्या बचेगा वन 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 फिर क्या एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वन इतना तो हो गया और एक बात और रखना डिटर्मिनेंट और शारीरिक के सवाल में जब कभी भी किसी एक ही लाइन में वन 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 दिखाई दे तो दना दन घटा दीजिए बस जब किसी भी एक ही लाइन में वन 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 दिखाई दे तो दना दन घटाना है और कुछ नहीं करना है देखते ही वही कर दो जैसे होता ना कि किसी चीज़ को देखते ही एक्शन लेना वैसे मान लीजिए कहीं गए हैं डॉक्टर को दिखाने बहुत भीड़ लगी लाइन लगा नंबर लगा है तो आपका नंबर आता जो नाम बोलता तो आप अपनी जगह से उठ जाते हो डॉक्टर के पास जाने के लिए नाम सुनते ही आप चल देते हो अपने आप को दिखाने वैसे ही वन 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 को देखते ही घटाने चल दो बस तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो ऊपर में से नीचे घटाओ जीरो बीच वाले में से नीचे वाला घटाओ फिर जीरो और सबसे नीचे वाला मत घटाओ रहने दो ये में से ये घटेगा एक्स में से वन घटेगा इसे वन में से ये घटेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इसमें से ये घटेगा इसमें से ये घटेगा सबसे नीचे वाली लाइन वैसे रहेगा ठीक है अब आप अपना परिवर्तन लिखिए परिवर्तन क्या कि पहली लाइन से दूसरी घटाए हैं और दूसरी से तीसरी घटाए हैं तो यहाँ बगल में हमको लिखना चाहिए आर वन बदल रहे हैं आर वन माइनस आर टू आर टू बदल रहे हैं आर टू माइनस आर थ्री शायद आपको दिख नहीं रहा अच्छे से अब दिख गया हम्म अब दिख गया और एक बात और जब किसी एक लाइन में दो गो जीरो मिल जाए क्या सुना आपने जब किसी एक ही लाइन में दो गो जीरो मिल जाए तो तुरंत प्रसार कर दो तुरंत क्या कर दो प्रसार कर दो तो इस वाली लाइन में क्या है जीरो है तो तुरंत हम क्या करेंगे प्रसार करेंगे ठीक है तो हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्रसार कर रहे हैं जीरो को जीरो को छोड़ देना है सिर्फ इसको लिखना है और जब इसको लिखना तो ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन जिस लाइन में ये है इसको उसको पूरा पूरा छोड़ देंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे एक्स माइनस वन गुड़ी एक्स माइनस वन तो x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, माइनस इसका गुणा इसमें करिए वन माइनस स्क्वायर माइनस वन ठीक है अब मैं स्क्रीन शॉट लेने का टाइम दे देता हूं एक लड़का कहता है कि आप स्क्रीन शॉट लेने का टाइम नहीं देते हो तो स्क्रीन शॉट ले लो फिर इसके आगे बताता हूं मैं खा रहा हूं टाफी तुम लोग सोचोगे गुटखा खाते हैं गुरुजी नारियल वाली टॉफी है कोकोनट कैंडी लेक देखो दिख रहा कोकोनट हाँ हाँ एकदम दिख रहा कोकोनट अब मैं मिटाता हूँ फिर बताता हूँ अब बड़े आराम से देखना भाई अब थोड़ा सा मैं कक्षा आठ में लेके चलूँगा चलूंगा और कक्षा आठ पढ़े आपको कितना साल हुआ चार साल चार साल में आपने कक्षा आठ की पाई हुई चीज को खो दिया होगा ना अब ये जो बाहर है ना ये बाहर रहेगा ऐसे और यक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का सूत्र खोल दीजिए अच्छा है अभी मत खोलिए रहने दीजिए x माइनस वन का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे दो बार लिख दीजिए ठीक है और इसे ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है यहाँ पर मिस्टेक है ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अब मैंने तो मिटा दिया मैंने मिटा दिया अब मैं कैसे देखूं मैं एक मिनट देख लेता हूं यहाँ एकक्वायर माइनर था आप वीडियो पीछे भगा के देख लो ना मेरा वीडियो पीछे भगेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था ठीक है तो इन दोनों में से एक्स कामन ले लो तो ये एक्स माइनस वन होगा और ये ब्रैकेट में वन माइनस एक्स है और वन प्लस एक्स है ये चीज़ यार ये दो ये चीज़ ना ऐसे बन जाएगा दो ब्रैकेट बन जाएगा मैं समझाता हूँ कैसे इन दोनों में से एक कॉमन लिया तो एक माइनस वन बचा मैंने ये यहाँ लिखा है और ये ब्रैकेट दो ब्रैकेट में बदलेगा ये और ये कक्षा आठ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो सूत्र था उसके हिसाब से अब क्या होगा ध्यान से देखने की ज़रूरत है एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दीजिए थोड़ा सा टेढ़ा काम है इसको चाहो इसको आगे पीछे करो वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स तो इसमें से भी माइनस आएगा कामन होगा इसमें से भी माइनस कामन होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा प्लस तो वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स ऐसे हो गया इसको भी आगे करो इस ठीक है इसको आगे पीछे करो इसको आगे पीछे कर नहीं ये तो है बात माइनस एक इसको आगे पीछे करोगे तो ये प्लस हो जाएगा ठीक है प्लस एक्स तो ये हो जाएगा वन माइनस और ये वन माइनस एक्स पहले से है और ये वन प्लस एक्स है ठीक है अब आप क्या करो यहाँ भी वन माइनस एक्स है यहाँ भी है ये दोनों कामन ले लो इसको इसको ये दो बार है ना और यहाँ भी दो बार है यहाँ भी दो बार है दोनों ब्रैकेट कामन ले लीजिए बाहर हो जाएगा वन माइनस एक्स वन माइनस तो अंदर क्या बचेगा ये दोनों कामन हो गए तो वन बचेगा प्लस ये एक्स बचेगा ये दोनों कामन हो गए तो ये वन प्लस एक्स बचेगा ठीक है समझ गया ना अरे भाई ये दोनों हट गए तो वन प्लस एक्स बचा मैंने यहां लिखा और ये वाला एक्स बचा था ये दोनों हट गए तो वन बचा यहां तक मैं लिखूंगा कुछ करूंगा नहीं ठीक है एक्स का वन में गुड़ा करेंगे तो एक्स इस एक्स का x में गुणा करूंगे तो एक्स स्क्वायर अब ध्यान से देखना ये दोनों ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट ये दोनों ब्रैकेट आपस में एक साथ कनेक्ट होंगे और ये दोनों ब्रैकेट आपस में एक साथ कनेक्ट होंगे अगर नहीं कनेक्ट करना चाहते हो नहीं कनेक्ट करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से बता देता हूं ध्यान से देखना अब ये मिटा देते हैं बहुत टाइम नहीं लूंगा आपका समझा दे रहा हूँ ये कितनी बार है देखो पहला और आखिरी वाला एक ही है ना दो बार है ये कितनी बार है दो बार है तो सिर्फ एक बार लिखिए ऐसे ठीक है बड़ा कोस्टर लगा के होली स्क्वायर कर दीजिए तो ये बताएगा कि ये दो बार है ऐसे हो जाता है और ये इस पर जब लग जाएगा तो ये भी समझिए दो बार हो गया यहाँ पे यहाँ पे दो बार है ना तो इसको एक बार लिख के होली स्क्वायर लगा दो ये भी दो बार है तो एक बार लिख के होली स्क्वायर लग गया ठीक है अब बड़ा कोष्टक के अंदर जो ये दोनों छोटे कोष्टक है ये बनेंगे सूत्र किसके बताता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये भी कक्षा आठे में पढ़ाया जाता है इतना बराबर ये दोनों इतना का मान सिर्फ़ ये दोनों यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसी तरीके से ये भी उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी तो एक क्यूब माइनस बी क्यूब यानी वन क्यूब माइनस एक और इसको कोष्टक बंद करके ये होल स्क्वायर समझ गए तो वन का क्यूब वन होगा और एक पे क्यूब रह जाएगा होल स्क्वायर हो गया बराबर राइट हैंड साइड तो मैंने बोला था ना कि ये वो सवाल नहीं है जो छोटा मोटा बन के आपके परीक्षा में आए ये तो वो सवाल है जो छः नंबर में आएगा तुम्हें किनारे हो जाता स्क्रीन शाट आप ले लो और इस सवाल को आज के दिन दो बार फिर कल दो बार टोटल मिला के चार बार आप प्रैक्टिस कर देना एक ही दिन में चार बार कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर ऐसा हो सके रोज़ एक बार एक बार लगाओ लगातार चार दिन तक चार बार लगाओ बिना देखे तो ये गारंटी लेता हूँ कि ये आपको परीक्षा से पहले तो भूलेगा नहीं सच बता रहा हूँ अब मैं अब अगले सवाल पे आता हूँ इसको मिटाता हूँ देखिए आपके सामने दूसरा सवाल आ गया समझना है इसको भी आज ये भी छः नंबर का है आज की वीडियो में एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर का सवाल मैं नहीं ले रहा हूँ आज की वीडियो में सिर्फ सिर्फ़ नंबर वाला तो आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना कि कौन कौन समझ गया कौन कौन नहीं समझा देखो भाई y बराबर इतना दिया है तो सिद्ध कीजिए कि डीवाइड बाई डी एक्स बराबर अच्छा ध्यान से देखिएगा बिना कुछ सोचे समझे इसका हम अवकलन कर देंगे ठीक है तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर अंश और हर का अवकलन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हर को हर मतलब नीचे वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ हर हर मतलब वही नीचे वाला बटे हर का होल स्क्वायर ये हमारे पास होली स्क्वायर हो गया ठीक है तो अब क्या करना भाई अभी तो सूत्र का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है अब स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे आगे सॉल्व करना है तो देखिए चुपचाप देखिएगा बहुत मजा आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये जैसे है वैसे लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है एक बटे करड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी जैसे है वैसे लिख दीजिए इसका अवकलन क्या होगा एक बटे दो करड़ी में वही चीज अब फिर रूट के अंदर घुस जाएंगे अंदर घुस करके इसका अवकलन करेंगे तो इसका ज़ीरो होगा इसका होगा माइनस में टू एक्स बटा के नीचे क्या हुआ होल स्क्वायर के नाते क्या होगा करड़ी हट जाएगी सिर्फ करड़ी हट जाएगी अगले लाइन में इसका गुड़ा बाएं पक्ष में कर लीजिए इसका गुड़ा बाएं पक्ष में यानी इसमें कर लीजिए तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स बराबर इससे ये वाला कट गया पूरा पूरा तो बचेगा सिर्फ वन और यहाँ देखो टू से टू कट जाएगा बचेगा यक्स साइन इनवर्स यक्स और बटे के नीचे करड़ी वाला बटे के नीचे ये करड़ी वाला पद क्या और वन माइनस दो और दो कट गया माइनस और माइनस हो गया प्लस ठीक है और यक्स का गुड़ा साइन इनवर्स में तो यक्स साइन इनवर्स बटे करड़ी में वही चीज अब एक बात बताइए ध्यान से देखिएगा नीचे एक लाइन लिख सकता हूँ हाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर मैं जिसको घेर दे रहा हूँ जरा उस पर अपनी निगाह डालिएगा जिसको मैंने घेर दिया हल्की हल्की लाइनों में यह किसका मान है ये तो y का मान है ये जो है ना देखिए यह किसका यही तो है तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा वाई तो हो जाएगा एक वाई प्लस वन पहले लिख देना एक और ये क्या वाई है एक वाई प्लस वन आंसर तो आ गया हमारा देखिए यही तो लाना था ना क्या बात है ये सवाल मुझे काफ़ी अच्छा लगा हद से ज़्यादा अच्छा लगा आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूँ नहीं तो आपके पास से मेरे पास शिकायत आएगी हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करते हैं ये भी सवाल आपके लिए छः नंबर का है और छः नंबर का सवाल आपको सीखना चाहिए आज के टाइम में क्योंकि एग्ज़ाम एकदम आपके सर पे है और एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप मन से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फँसोगे और प्रॉब्लम से बचने का यही तरीका कि पढ़ाई करना और कोई तरीका नहीं है अब आप देखिए ध्यान से देखिए वाई बराबर इतना दिया है अवकलन करना है ठीक है तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन में इस सवाल में ध्यान से सुनो काश 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 दिया हो साइन 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 दिया हो तो दोनों पक्षों का क्या लेंगे लाग लेंगे क्या लेंगे लाग तो हो जाएगा लाग वाई बराबर लाग कास एक्स टू कास टू एक्स टू कास थ्री एक्स ठीक है तो इतना तो आपने कर दिया अभी इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया हूँ जो आप कर ना पाओ आप ही कर लो यार देखो इस लाइन के पहले यहाँ पे मैंने लाग लगा के लिख दिया फिर यहाँ शुरू में लाग लगा दिया बाकी ये सब को यहाँ पे देख के लिख दिया पहली लाइन हो गई इसके बाद जो दूसरी लाइन आ रही है ना वो भी कुछ नहीं करना है बताता हूं ये जैसे है वैसे ही रहेगा और ये लाग काश रहेगा यहां जहां गुड़े का चिन्ह यहां प्लस लगाएगा फिर इसके साथ भी लाग लग जाएगा लाग कास्ट टू एक्स फिर यहाँ गुड़े का चिन्ह यहाँ भी पुला लग जाएगा फिर इसके साथ भी लाग लग जाएगा लाग का स्थिर ठीक है अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे अवकलन दोनों पक्षों का करेंगे अवकलन अवकलन भी बहुत आसान है लाग का अवकलन दुनिया का सबसे आसान अवकलन होता है अभी मैं बताता हूँ देखो लाग वाई का हो जाएगा एक वाई जो लाग के बाद रहेगा वो बटा के नीचे जाएगा ये लाग के बाद कहा से, से बटा के नीचे लाग के बाद कहा से बटा के नीचे लाग के बाद कहाँ ये भी बटा के नीचे तो लाग वाई का एक बटे वाई का दोबारा करेंगे तो डीवाई बाई डी एक्स लाख का क्या होगा एक बटे कास इंटू कास का दोबारा करेंगे तो माइनस में साइन होगा प्लस लाख का तो एक बटे कास टू एक्स अब कास टू एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन टू एक्स इंटू टू एक्स का भी दोबारा होगा तो टू होगा अब इसमें तीन बार आकलन होगा एक बार लाख के हिसाब से नीचे आ गया एक बार कास के हिसाब से माइनस साइन हो गया और एक बार टू एक्स के हिसाब से क्या हो गया टू हो गया ऐसे लाख कास का जगह एक बटे काश थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स का माइनस साइन थ्री एक्स और थ्री एक्स का दोबारा करेंगे तो थ्री होगा ठीक है ना समझ गए फिर से समझो यहाँ का दोबारा हम करते तो वन होता वन को यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं मिलता ठीक है इस वजह से हमने इसका x का दोबारा नहीं किया काश लाख काश का एक बटे काश फिर से कास का माइनस साइन टू एक्स का टू लाख कास का एक बटे कास, कास का थ्री एक्स का माइनस साइन थ्री एक्स थ्री एक्स का दोबारा क्या थ्री ऐसे हुआ है अब देखो ये दोनों को बारी बारी से लिख लो साइन बटे कास क्या हुआ टेन माइनस में टेन एक्स ये पहले टू लिखेंगे और ये माइनस गुड़े प्लस माइनस होगा माइनस टू साइन बटे कास टेन टू एक्स प्लस गुड़े माइनस क्या होगा माइनस थ्री साइन थ्री एक्स बटे कास थ्री एक्स टेन थ्री एक्स ठीक है ना अब ये जो वाई है ये वाला इसको दाहिने पक्ष में इधर लेकर आएंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर का वाई जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो इस तरह हो जाएगा बाकी ये सब ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे माइनस टेन एक्स माइनस टू टैन टू एक्स माइनस थ्री टेन थ्री एक्स ठीक है बस एक लाइन और तकलीफ है देखिए डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पे लिखेंगे और ये जो y है y का मान यहां से देखिए इतना बड़ा y का मान क्या है यहां काश गुड़े काश गुड़े काश तीन बार है तो यहाँ लिख दो काश x काश टू एक्स काश थ्री एक्स और ये जो ब्रैकेट के अंदर है तीनों टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स इनका इनका तीनों का माइनस कामन ले लेंगे तो शुरुआत में हो जाएगा कोष्टक में टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स ये देखो थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा ये है टू टेन टू एक और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ना बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ से लगेगा उसके आगे लिखेंगे मेरे पास जगह नहीं थी इस वजह से मैंने नीचे लिख दिया है मतलब यहाँ से लेकर के ये नीचे वाली लाइन सब एक ही लाइन है मैंने कर दिया दो लाइन में तो मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास जगह नहीं था उधर आप इसी काश वाली लाइन में ही इसको सटा के लिखिएगा ठीक है ना बस बताने का यही इरादा था कि ऊपर वाली लाइन का हिस्सा नीचे वाली लाइन है अगला सवाल करते हैं अगला सवाल है समाकलन का और बड़ा ही शानदार सवाल है और मुझे लगता है कि यह चार नंबर या छः नंबर या पाँच नंबर में आ सकता है चार से नीचे तो इसको नहीं जाना है चार पाँच छः के ये हिम्मत रखने वाला क्वेश्चन है तो शुरुआत करते हैं समाकलन का यह सवाल काश टू एक्स माइनस काश टू एल्फा बटे काश एक्स माइनस काश एल्फा बहुत अच्छा त्रिकोटमिति वाला सवाल है काश टू एक्स माइनस काश टू एल्फा बटे काश एक्स माइनस काश एल्फा इसका सिर्फ समाकलन करना है चाहे जिस तरीके से आप समाकलन करिए बस इतना ही आपको मैं बताना चाह रहा था अब आपके पास पूर्व ज्ञान किस चीज़ का होना चाहिए त्रिकोण मिति के सूत्रों का और त्रिकोण मिति के सूत्र कहाँ से शुरू हो गए कच्चा आठ से नौ में दस में ग्यारह में बहुत बार आपने देखा और वही सूत्र यहाँ यूज होगा बार बार कोई चीज़ नया नहीं आपको मिल रहा है हर चीज़ आपको पुराना ही मिल रहा है काश टू एक्स का सूत्र होता है टू काश स्क्वायर एक्स माइनस वन इसी तरीके से इसका सूत्र होता है टू का स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन अब कहोगे ये बिना ब्रैकेट के लिखा आपने और ये ब्रैकेट में क्यों लिखा क्योंकि इसके पहले माइनस चिन्ह है तो माइना चिन्ह के वजह से बदलाव हो सकता है इस वजह से इसका फार्मूला ब्रैकेट में इसका फार्मूला ब्रैकेट में लिखें चाहे नहीं लिखें ये अपनी मर्जी पे छोड़ सकते हैं इसका मतलब इसके पहले ब्रैकेट लिखे ना लिखे अपनी मर्जी छोड़ सकते हैं नीचे वाला कुछ मत करिएस एक्स माइनस काश अल्फा ठीक है ध्यान से देखते जाओ भाई ये ऊपर वाला जैसे है लिख दीजिए ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस टू काश स्क्वायर अल्फा और ये प्लस वन हो जाएगा इसके वजह से ये क्या होगा प्लस वन बाकी नीचे का काश एक्स माइनस काश अल्फा ये माइनस वन प्लस वन कट जाएगा अगली लाइन देखिए टू का स्क्वायर एक्स माइनस टू का स्क्वायर अल्फा बटे काश एक्स माइनस कास अल्फा डी एक्स अगली लाइन में क्या होने वाला है आपको अंदाज़ा लग गया होगा अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो और नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है आप ध्यान से देखो यहाँ पे टू है यहाँ पे टू है टू कामन ले लो पहला काम टू कामन लोगे तो बचेगा काश स्क्वायर एक्स एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फा बटा के नीचे काश एक्स माइनस काश अल्फा ठीक है कक्षा अच्छा, आठ में सात में मुझे पढ़ाया गया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस बी यही होता है ना तो उसी तरीके से ए प्लस इतना मतलब इतना प्लस इतना इतना माइनस इतना दो बार लिख दो काश एक्स प्लस अल्फा अदर ब्रैकेट में काश एक्स माइनस काश बटा के नीचे ये जो है शुरू से ही लिखते जाओ ठीक है एक बात गौर से देखिए आप गौर से आप एक बात देखिए ध्यान से देखिए ये जो नीचे वाला है ना ये हमने शुरुआत से ले अभी तक कुछ भी इसमें बदलाव किया ही नहीं सिर्फ देख के वापस देख के वापस लिखा जा रहा बार बार देखो यहाँ भी नहीं बदला यहाँ भी नहीं बदला यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं मतलब क्या शुरुआत से आखिरी तक अभी वो चेंज ही नहीं हुआ सिर्फ ऊपर का अंश ही बदल रहा है लेकिन अब बारी आ गई है कि ये नीचे वाला ऊपर वाले से क्या होगा कट जाएगा ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा बचेगा सिर्फ ये टू इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स प्लस काश एल्फा अब बच्चों आखिरी लाइन के पास हम लोग आ गए अब बड़े ही ध्यान से धीरे से हमें क्या करना है काश एक्स का समाकलन लिख देना है काश एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स काश एल्फा का समाकलन नहीं होगा क्योंकि यह अचर पद है अचर पद के साथ एक्स अपने आप लगा दीजिए तो वो हो जाएगा उसका समाकलन जैसे तीन का समाकलन तीन यक्स एक का समाकलन एक यक्स एक दो का समाकलन दो यक्स तीन का समाकलन तीन एक्स चार का चार तो काश थीटा का काश थीटा एक्स काश बीटा का काश बीटा एक्स तो काश एल्फा का काश एल्फा एक्स हो जाएगा काश एल्फा इंटू एक्स प्लस में सी ये हो गया आंसर बस 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 और कुछ भी नहीं बस इतना ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मुझे लग रहा था ना कि ये सवाल अगर मैं छोड़ दूंगा तो आपके साथ अन्याय हो सकता है यह सवाल अगर मैं छोड़ दूंगा तो हो सकता कि आपका नुकसान हो सकता है इस वजह से मैंने इस सवाल को सेलेक्ट किया बसर तो ये दो नंबर तीन नंबर के लेबल का सवाल है बट डायरेक्टली अगर इसको इस वीडियो को रोक दो आप करना चाहो तो शायद नहीं कर पाओगे समाकलन ही है दो तीन नंबर का ही औकात रखता है बट मुझे लगता है कि नाइन्टी फाइव परसेंट स्टूडेंट कैन नाट डू दिस क्वेश्चन तो इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं बताऊँ ताकि जो पंचानवे परसेंट बच्चे हैं हमारे दर्शक हैं श्रोता हैं छात्र हैं सबको ये आ जाए सबके दिमाग में बैठ जाए और एग्ज़ाम तक चला जाए तो चलिए देखते हैं इसका कैसे होगा सोलूशन सबसे पहला याद रखना तुम माइनस वन प्लस वन अपने पास से जोड़ने घटाने हैं बस और कुछ नहीं तरीका है नीचे वाले को जैसे है वैसे लिख दीजिए ऐसे तो ये क्या है ये है अपने पास से माइनस वन प्लस वन जोड़ने का जुगाड़ और ये जुगाड़ काम करेगा तभी जाकर के आंसर आएगा देखो एक बार इन दोनों को लेकर अलग हो जाओ ऐसे नीचे वाला भी ऐसे प्लस वन को लेके अलग हो जाओ ऐसे नीचे वाला इनके साथ भी आ जाएगा नीचे वाला जो है ना इसके साथ भी यहाँ आ जाएगा ये नीचे वाला इसके साथ भी यहाँ आ जाएगा अब ये एक सवाल से दो सवाल बन गया अब एक पिता के दो पुत्र पैदा हो गए मतलब एक सवाल के दो सवाल हो गए यानी ये पिता बन गए दोनों बेटे इसके हो गए अब इन दोनों को मैं बारी बारी से सॉल्व करूँगा बस यही समझाना चाह रहा था अब चार घात इस पर वन के ऊपर भी चार घात लिख दो तो ये ऐसे बन जाएगा ठीक है ये वाला सूत्र ऐसे चेंज हो जाता है कक्षा आठ के हिसाब से अब कहोगे गुरु जी मुझको नहीं आता है तो अगर आपको नहीं आता ये सब तो हमारा वीडियो कॉलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो फीस पे कर दो वीडियो कॉल पर फ़ेस टू फ़ेस मैं पढ़ाता हूँ शाम को रात को डेली आठ से नौ अगर आपकी इच्छा है कि इससे भी लो लेवल में जाके समझने का तो वीडियो कॉलिंग बैच में आ सकते हो उसकी फीस पाँच सौ रुपये लेते हैं और कंप्लीट जो भी बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा तभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो कॉलिंग पे बात भी होती रहती है पूछेंगे हाँ आ गया मान लो आपका नाम है सौरभ हाँ सौरभ आ गया आगे बढ़े कहोगे हाँ गुरु आगे बढ़िए तो आगे नहीं कह दोगे कि नहीं गुरु तीसरी लाइन फिर से आए तो तीसरी फिर से बताएँगे तो वो वीडियो कॉलिंग बैच डेली आठ आठ से नौ चल रहा है उसमें आ सकते हो फोन नंबर जो हम देते हैं उसी पर कॉल कर लेना खैर आइए हाँ तो ये और ये इसके में से पैदा हुआ प्लस ये हम कुछ नहीं करेंगे ऐसे ही रहेगा ठीक है अब देखो इससे ये कट जाएगा बचेगा सिर्फ इतना एक्स स्क्वायर माइनस वन बच गया और प्लस वन अपान इतना सॉरी वन, वन प्लस ठीक है ना? ए, तो वन ये देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर आगे पीछे करके लिख सकते हो अब देखो अब समाकलन करने की बारी आ गई बहुत आसान समाकलन एक्स पे घात दो का समाकलन करना है तो दो घात लिखा ना एक पे अब एक घात बढ़ा दो समाकलन हो गया ये दो घात लिखा ना उस पर तीन घात कर दो हो गया समाकलन एक पे दो घात का समाकलन तीन घात अब बटा के नीचे ये जो तीन है तीन को उठा के नीचे भी डाल दो बस ध्यान रखना जो ऊपर वही नीचे माइनस वन लिखा तो माइनस वन का समाकलन वन एक्स टू का समाकलन टू एक्स थ्री का थ्री एक्स फोर का फोर एक्स तो वन का वन एक्स वन एक्स लिखने का तरीका ये होता है प्लस इसका समाकलन क्या होगा इसका समाकलन तो सूत्र है किसका टेन इनवर्स एक्स का किसका टेन इनवर्स एक्स का प्लस सी ये हो गया आंसर ठीक है।, है तो जो बच्चा बच्ची छात्र छात्रा हमारे वीडियो कॉलिंग बैच में आना चाहता है वो इस नंबर पर संपर्क करके आ सकता है फेस टू फेस बात करते हुए हंसी मजाक में पढ़ेंगे हम लोग बहुत आनंद आएगा ठीक है चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो लाइक कर देना और जो बच्चा अभी तक वीडियो देख रहा है तो मैं जानना चाहता हूँ उसका नाम कमेंट में वो कौन अभी तक देख रहा है वो कमेंट में लिखेगा लाजवाब अगर आप कमेंट में लिखेंगे लाजवाब तो मैं जान जाऊँगा कि आप बयालीस मिनट चार सेकेंड तक देख रहे थे ठीक है थैंक यू